गैस मम्मी खुशी के मारे पागल हो गई थी कि मूली इतनी बड़ी हो गई है। कच्ची कच्ची खा लेंगे, आ जाना छुट्टी है। तोड़ लो। है ना? एक बार सही हो रही है। आज कितनी तोड़ा? दो ही तोड़ दो अभी। दो ही तोड़ दो। और बाकी कल तोड़ लेंगे। आप देखो दो तोड़ ली है। तोड़ क्या है ये बेटा, फिर बहुत सारी हो जाओगी, बाकी कल तोड़ लिया। ये है ना, इन्हें रोज एक एक दो दो तोड़ा करते, फिर ये बहुत गुणी हो जाएंगी एकदम। तय अपना डेली अपना तोड़ के ना, और डेली सलाद में खाया करेंगे। आज इनके परौंठे बना लिया। टोरी क्यारी में भी हो रही है, देखो हमारी मेथी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, सरसों, यहाँ पर हमारे चने, यहाँ हमारा धनिया, ये रहा हमारा धनिया, यहाँ हमारी पालक, यहाँ सारे का शलगम और मूली, मतलब टोटल ये सारी अपनी खेती है जो पापा जाने से पहले करके गए हैं। नमस्ते अंकल जी। मम्मी को अभी इनमें से भी एक मूली बड़ी बड़ी सी लग रही है, तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। पर एक न पाड़ूंगी दूसरी पाते कच्ची है कोई ना, उसने कच्ची ने भी कर लेंगे सलाद सलूद कर। बहुत ज्यादा छोटी ना, धनिया तोड़ दो। आवाज दे रहा ना, क्या आ रहा दे रहा तुम? क्या पता ही जाए आपका टमाटर आलू जो भी है। आज हम बनाएंगे सूप, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और दूध का ऑर्डर है, शाम का टाइम है कि सूप बना दो गरम गरम से। चलो भाई आज बनाते हैं सूप, दे देते हैं तो फिलहाल हम बनाते हैं सूप। गर्म हो गया है, यहाँ हमारा मक्खन तैयार है, देख लो। अब इसका बनावांगे घी, और आज दिन में बाजरे की रोटी हरी साग की गेला, मतलब बहुत बढ़िया लगा। बाजरे की रोटी को अच्छा सा तड़के खाया है, और इसमें फिर खा जाएंगे। और अब की बार ताजी मड़ाई थी तो लस्सी बहुत बढ़िया बन रही है, जो कई दिन की नहीं है, बस थोड़े दिन की थी, मतलब तीन चार दिन की, चार पाँच दिन की थी मड़ाई, तो उसका हमने मक्खन बनाया था। और ये तो लस्सी पीने के काम आ जाएगी, ज़्यादा मतलब 10-15 दिन हो जाए ना तो लस्सी थोड़ी सी खराब सी हो जाए, वो पीने के काम ना आवे, तो अभी ये पीने के काम आ जाएगी। बस है पॉपकॉर्न और सूप, तो दोनों चीज़ बना देते हैं, पॉपकॉर्न तैयार होने। और यहाँ पे हमने बनाए थे स्वीट कॉर्न।
प्याज टमाटर का तड़का लगा के जो बनाए थे टेस्टी से गरम गरम से स्वीट कॉर्न, तो बहुत मज़ेदार बन रहे हैं गरम गरम। तो सोचा ठंड में इनका खाने का भी मज़ा कुछ और है। सिंपल उबालने की जगह पे इनको प्याज टमाटर का तड़का लगाया मैंने साथ में, तो उसको थोड़े और मिर्च डाली और चटपटे से हो गए ये। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो कि आप सब मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए, और जो वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए दिल से थैंक यू है। और सब्सक्राइब मेरे हो गए हैं 8000 क्रॉस कर गए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू है जो कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, या शॉर्ट वीडियो किससे कर रहे हो या लोगों के मतलब कर रहे हो आप मेरे को सपोर्ट, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू है। और मेरे 8000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, फटाफट 10000 हो जाएं, और मतलब आदमी की इच्छा इतनी वो है कि मतलब बढ़ती जावे हैं, पहले मेरे ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर और मेरा वो टाइम कंप्लीट हो जावे, तो उसके बाद फिर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जावे। मोनेटाइज होने के बाद फिर बस ये कि मेरे व्यूज अच्छे आने लग जावे, मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जावे, तो 5000 हो जाओ, 6000 हो जाओ, 5000 हो जाओ, 6000 हो जाओ, 6000 हो जाओ, 7000 हो जाओ, 7 हो जाओ, सोचा 8 हो जाओ, अब 8 हो गए तो अब तमन्ना है 10000। तो मतलब इच्छा कभी पूरी नहीं होती, मतलब जितनी इच्छा पूरी होती जाए ना उससे ज़्यादा बढ़ती चली जाए, पर मैं इतने में संतुष्ट हूँ जो कि इतने टाइम में मैंने इतने सब्सक्राइबर मिले हैं, इतनी मेरी फैमिली बड़ी है आप मतलब देखे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू है। और यू मैं फुल सपोर्टर हूँ, करा करो ठंड होगी है अपना अच्छा खाओ पियो, और देखो मैं भी अब ठंड में दिखता होगा मतलब 15-20 दिन में मेरा वेट इतना बढ़ गया है जो कि ना मैं एक्सरसाइज करती फुल दबा के खा पी रही हूँ, और मैं सारा दिन अपने बिस्तर में या छोटा मोटा काम कर रही हूँ, मतलब कि ये नहीं है कि एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दो ना तो वेट मतलब वापस बढ़ जा है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर एक्सरसाइज करने की, क्योंकि तो अब इतना बढ़ जाएगा ना तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाऊंगा। कम से कम मेरा वेट हो गया है 5-6 किलो बढ़ गया है, और वो कि 15-20 दिन के अंदर अंदर बढ़ा है मेरा इतना वेट। तो अब ऐसे बढ़ने लग रहा है, सर्दियाँ तो बाकी हैं तो अब कंट्रोल करना पड़ेगा। अब शाम के टाइम बस सूप पी लूँगी और थोड़ी सी पॉपकॉर्न खा लूँगी, फिलहाल ये स्वीट कॉर्न खाऊँगी, बस शाम रोटी नहीं खाऊँगी क्योंकि रोटी बाजरे की रोटी और घी और ये मतलब खा जाएगा स्वाद बैठ जाए, तो स्वाद स्वाद में ज़्यादा खाई जावा है, और उस तरह फिर थोड़ा सा वेट भी अरे वो बात सर्दी में घी क्या रही चीज़ सारी चीज़ रोटी बढ़िया खाई जाए तो वेट ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ का इज मेरे पॉपकॉर्न हो गए तैयार ठंड में, बस इन चीज़ों का कागो इन्हें ये चीज़ें तो वेट बढ़ा, कदे चिप्स बना लो, कदे आलू के परांठे, कदे मूली के परांठे, ये परांठे ना रे ना देखो कितने वो उन्हें खुद ना अजीब लग रहा है कि मैंने एकदम से इतना वेट बढ़ा लिया। और यहाँ मेरा बढ़ने लग रहा है सूप, टमाटो सूप, तो बस ये, और रोटी भी बनी दरी है बाजरे की कत्ती एकदम तय घी में, ये घी की खा के तो सब कुछ नाश हो गया, खावा जब तक स्वाद इतनी ला कर पाचन सोचा है आज पाचन इतनी खाऊंगी। तो ये मेरी बनी रखी है जो कि एक्स्ट्रा है, ये मन नहीं कर रहा है तो ये ना खाऊं सही बताऊं, दीक्षा खाओगी तो खा लेगी, और कई चीज़ निमटानी है एक आदमी के निमटा हुए भी, ये भी निमटानी स्वीट कॉर्न भी, और पुरीन बड़काने खा लेंगे, और सूप बस सूप भी तैयार हो गया है हमारा, तो सूप भी लेंगे, लाइब्रेरी दिया दीक्षा अब बेटा पॉपकॉर्न खा ले जल्दी आ, दीक्षा कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। हेलो हेलो क्या कर रही है, होया नहीं तेरा दिन में तो सोई है आज छुट्टी थी खूब मेरा हो रखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले, हाँ एक्स्ट्रा कर ले है, दिन में तो संडे था खूब दाब की सोई है, अरे पढ़ है ठंडी हो जाएगी बेटा पॉपकॉर्न जल्दी आ जा पहला ना आ जा फिर ठंडी होने के बाद स्वाद को ना, हाँ तो आ जा पॉपकॉर्न खा ले कर आ जा फटाफट आ जा, देखो पॉपकॉर्न बड़ में घुस रहा है, आग दला सा आया है नीचे, ये पापा ने जो बाड़ कर रखी मकई ओके कर रहा तू ले रे, पर ठंडी हो जाएगी फिर बता दी मैं, गाड़ी के बंदा रखा था गाड़ी जाएगी देख ले वो रखी गाड़ी, गाड़ी की इतनी जद करी थी ना बहुत गंढी अरे भैया गाड़ी यूं आ रखी है बिना बात में पैसे वेस्ट कराए, बालक हैं पर मानते नहीं की करा, डुगो सूप भी तैयार है पॉपकॉर्न खा ले फटाफट, फिर सूप ठंडा हो जाएगा रख दी मैंने खा ले, आहा एक दिन फिर सोचूंगा गाजर का हलवा बनाऊं जो कि हमारा खत्म हो गया है, और बच्चा ने बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इस ऑर्डर आगे आगे शक भी लेवेंगे,
तो देखूंगी एक आधन में इनकी छुट्टी होगी ना, जब अब की बार बनाऊंगी मैं दिन में, रात के टाइम नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसकी दादी की भी तबीयत खराब हो रही है और बिना बात में रात में ठंड ज़्यादा हो जाओ अब, तो अब की बार बनाऊंगी दोपहर से ना, जो कि मौसम थोड़ा बढ़िया सारा होगा, ठंड ना लगेगी। तो बस ही एक दो दिन में देखूंगी दूध मिल जाएगा ना, तो दूध का भी लफड़ा पड़ जाए डेयरी में, कदे कांवर कदे मतलब भाई मिलन के ऊपर है। तो देखो एक आधन में मिल जाएगा ना पूरा, तो एक दो थैली लिया करें पिछली बार की तरह, तो इकट्ठा ही हफ्ता 10 दिन चल जाओ इतना बना लूँगी। अब की बार 1-2 किलो और एक्स्ट्रा बना लूँगी, अब की बार सोचू हूँ 5 किलो गाजर ले आऊँ और 10 किलो दूध तो बढ़िया बन जाएगा। और चलो आ जाओ पी लो सूप गर्मा गर्म। कैंटीन तले का ये फ़ायदा है, जो मार्केट तले आवा ना उसमें कैंटीन के बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है, तो मैंने एक बार ला कर रख लिया। अब वैसे ये है कि हाँ सूप तो है मेरे पास, पॉपकॉर्न एक दो रारी ख़त्म होने वाली है, तो भी देखेंगे अब फिर जाऊँगी एक बार कैंटीन में ले आऊँगी कैंटीन का सामान। तो ये है कि हाँ जो चीज़ हम 2 ले आऊँ कैंटीन में, तो हम 4 ले आऊँ उस चीज़ का उतना वो हो जाओ है, तो काफ़ी अंतर पड़ा है। चलो कर दें हम लोग का यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फुल सपोर्ट करना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।